सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका विजन हिंदी के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन और तब्बू स्टारर मूवी दृश्यम 2 के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। तो चलो फटाफट देखते हैं कि ट्रेलर में क्या था बढ़िया, क्या था खराब, बताते हैं आपको। इसके पहले मैं अपनी बकैती शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर ले। दर्शकों अगर आप भी किसी मर्डर मिस्ट्री मूवी को देखना पसंद करते हैं और आप भी क्राइम पेट्रोल और CID के पुराने एपिसोड देख देख के थक गए हैं, तो हाजिर है आपके लिए दृश्यम 2 मूवी। जी हां दोस्तों, इसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में दोस्तों दिखाया जा रहा कि कैसे पुलिस ने फिर से केस को ओपन कर दिया है और विजय सलंगावंकर के पूरे परिवार से फिर से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनकी बेटियों को कैसे टॉर्चर कर रही है। इस मूवी में अक्षय खन्ना जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हैं जो कि केस की तफ्तीश करेंगे। भाई साहब, मर्डर मिस्ट्री मूवी में अक्षय खन्ना का होना यानी मूवी जबरदस्त होने वाली है। तब्बू जो कि मीरा देशमुख का किरदार निभा रही है मूवी में, इनके ही बेटे की लाश की तलाश पुलिस कर रही है। ये मूवी 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो कहानी काफी ज्यादा सही है मूवी की। फिल्म में सीनियर एक्टर्स हैं तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, सभी ने अपना काम बखूबी ढंग से निभाया है, चाहे वो तब्बू हो, अजय देवगन हो या अक्षय खन्ना। फिल्म की असली जान फिल्म के क्लाइमेक्स में छुपा है। अगर फिल्म का क्लाइमेक्स जबरदस्त रहा तो फिल्म हिट होगी, नहीं तो फ्लॉप होगी। अब देखने वाली बात यह है कि दृश्यम 2 या दृश्यम के पार्ट 1 की तरह दर्शकों के दिलों में जगह बना पाती है या नहीं। वैसे दृश्यम 1 आपको कैसी लगी थी कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।